हेलो गाइस, यू आर वाचिंग नाउ द गैजेट स्टोर एंड मैं हूं संदीप। और गाइस, आज हम इस वीडियो में बहुत अच्छी वॉच के बारे में अनबॉक्सिंग करने वाले हैं यार, जिसका मॉडल है W26 स्मार्ट वॉच। और काफ़ी अच्छी वॉच है यार, इसकी डिस्प्ले काफ़ी फुल है, इसकी काफ़ी डिमांड है मार्केट में। चलो हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, इसका रिव्यू देखते हैं। इस तरीके का कुछ बॉक्स आता है, बॉक्स भी काफ़ी अच्छा है इसका W26 स्मार्ट वॉच का। जैसे आप देख सकते हो, जैसे W34 वॉच का बॉक्स आता है, पैकेजिंग आती है सेम, ये भी ऐसे ही आती है, ठीक है। और इसके अंदर आपको एक यूएस चार्जर मिल जाएगा, मैग्नेटिक चार्जर मिल जाएगा आपको, 2 पिन वाला। ये देखिए, ये 2 पिन वाला चार्जर मिल जाता है, आप यहाँ पर इसको रख के चार्ज कर सकते हो। ये पीछे इसका दे रखा है। और गाइस मैं बता दूँ, ये सीरीज 6 की कॉपी है और काफ़ी अच्छी वॉच है यार। चलो इसके हम एक बार रिव्यू कर लेते हैं। सो गाइस, फाइनली हमारे पास W26 स्मार्ट वॉच आ चुकी है। और इसकी अगर आप मैं देखूँ तो इसकी डिस्प्ले काफ़ी ज़्यादा प्यारी, आप देख लो यार, काफ़ी लुक इसकी अच्छी है यार। और ये आपको फुल डिस्प्ले में मिल जाती है, आप अदर वॉच से कंपेयर करोगे तो इसकी डिस्प्ले काफ़ी फुल है। और इसमें आपको ऐसे स्मार्ट स्टाइल मिल जाएगा, ठीक है। इसमें लेकिन क्राउन वर्किंग नहीं है, बाकी इसमें सब आपको फीचर्स मिलेंगे जैसे आपको अदर वॉचेस में मिलते हैं, लाइक कॉलिंग वगैरह, हार्ट बीट, एक्सरसाइज मोड, मोशन वगैरह सब चीज़ें इसमें मिलती हैं आपको। कैमरा वगैरह, व्हाट्सएप, फेसबुक, नोटिफिकेशन सब चीज़ें आपको उसमें मिलती हैं। और इसमें आपको कम से कम 7 से 8 इसमें वॉलपेपर मिल जाते हैं, जैसे W34 में आप देखते हो सेम आपको वैसे ही वॉलपेपर मिलते हैं, ज़्यादा कुछ फ़र्क है नहीं। ये देखिए, इसमें वॉलपेपर सिर्फ आपको 5 से 6 ही वॉलपेपर मिलते हैं, बस एक ही एक्स्ट्रा जो न्यू एड वॉलपेपर आया है, ये वाला रेनबो वाला, बाकी जो वही ये समझ लो कि बिल्कुल सेम W34 वॉच है, बस इसकी स्क्रीन बड़ी दे दी है। बाकी अगर मैं इस वॉच की परफॉर्मेंस की बात करूँ तो लाइक बस कुछ ज़्यादा खास, मतलब इसकी टच वगैरह कुछ ऐसी है नहीं, बस ये इसकी डिस्प्ले बड़ी दे दी है कि बिल्कुल एप्पल लगती है दिखने में, अगर कोई भी बोल नहीं सकता जब तक इसके यूज़ ना करे। अगर आप इसे K8 से कंपेयर करोगे तो भाई K8 तो बहुत ज़बरदस्त वॉच है, मैं आपको पहले भी रिव्यू दे ही चुका हूँ, वो मैं खुद पर्सनली यूज़ करता हूँ। अगर आप ये अगर आपका 2 से 2.5 हज़ार का बजट है तो आप ये वाली वॉच बाय कर सकते हो W26, बट अगर आपका बजट 4 हज़ार तक का है तो आप K8 वॉच बाय कर सकते हो। अगर आपको एडवांस फीचर चाहिए, टच आपको इसकी स्मूथ चाहिए, अगर आप देख रहे हो थोड़ा सा हैंग इसका, थोड़ा सा स्लो टच है, आप देख ही रहे हो, ठीक है। बाकी तो वॉच अच्छी है, इसमें आपको स्लाइड मेन्यू भी मिल जाता है और आप इसे ब्लूटूथ से भी कनेक्ट कर सकते हो। मैं आपको कनेक्ट करके दिखा दूंगा इसे कैसे कनेक्ट करते हैं, जैसे सब वॉचेस करते हैं वैसे इसमें भी आप कनेक्ट कर सकते हो, कोई इसमें बड़ी वो प्रॉब्लम नहीं है। मैं इसे आपको कनेक्ट करके दिखा दूंगा। ये आपको 44 mm में मिलती है, 2.4 स्क्रीन रेजोल्यूशन आपको मिलती है और इसमें बैटरी बैकअप भी आपको काफ़ी अच्छा मिल जाता है, ठीक है। तो चलो मैं इसका एक बार आपको बता देता हूँ। और इसमें आपको मेल्स भी आ सकती हैं, ये मेल्स आपको रिसीव हो जाएंगी, आप जब इसे ब्लूटूथ से कनेक्ट करोगे तो आपको मेल्स यहाँ पर शो करेंगी। और इसके साथ साथ आप कैमरा भी यहाँ पर ऑन कर सकते हो, यहाँ पर देखो एक कैमरा है, कैमरा, म्यूज़िक, गैलरी, इसमें हार्ट बीट आप चेक कर सकते हो, ठीक है। ये पीछे इसकी लाइट जल जाएगी आप ऐसे टैप करोगे तो। स्लीप मॉनिटर, इसमें इसका ये सेंसर दे रखा है पीछे, और ये 6 सीरीज़ में आती है। और इसमें आप मेन्यू स्टाइल भी चेंज कर सकते हो, स्टेप मीटर है, पेडोमीटर है, काफ़ी इसमें चीज़ें अच्छी हैं, जैसे अदर वॉचेस में आपको मिलेंगी T500, FT50, W34 सेम वही फीचर्स हैं, बाकी बस इसमें डिस्प्ले बड़ी दे दी है आपको। इस चीज़ का आपको एक फ़ायदा मिल रहा है कि इसमें डिस्प्ले अच्छी दे दी है तो इसकी लुक काफ़ी अच्छी लगती है, ठीक है। चलो मैं एक बार इसको ना आपको कनेक्ट करके दिखा देता हूँ, मोबाइल से कैसे कनेक्ट करते हैं। सो गाइस, ये हमारे पास मोबाइल आ चुका है और मैं आपको इसमें कनेक्ट करके दिखा देता हूँ। ये एप्पल का मोबाइल है, आप इसमें हाई वॉच से डाउनलोड कर सकते हो, एंड्रॉयड में तो आप कोई भी डाउनलोड कर लो, अगर एंड्रॉयड में हाई वॉच से कनेक्ट ना हो तो फंडू ऐप से भी कर सकते हो। अब यहाँ QR कोड देख रहे हो आप, बस QR कोड आपको स्कैन करना है यहाँ पर, ये फंडू का ये साइन है, आप फंडू भी डाउनलोड कर सकते हो, हाई वॉच भी, ओके, दोनों में से कोई भी कनेक्ट कर सकते हो। सबसे पहले आपको इसकी ब्लूटूथ की सेटिंग्स में जाना है, ठीक है। तो पहले हम इसकी सेटिंग्स में जाते हैं, ये इसकी ब्लूटूथ हम ऑन कर लेंगे, यहाँ पर ब्लूटूथ इसका ऑन है, तो अब देखते हैं इसमें कनेक्ट होती है कि नहीं। आपको पहले वॉच की सेटिंग्स में जाना है, वहाँ पर विजिबिलिटी ऑन कर देनी है ब्लूटूथ की दोनों, अगर ऑफ है तो ये वॉच 6 के नेम से आ जाएगा, कनेक्टेड हो गई है, ठीक है।
अब हम इस एक बार इसके ऐप में जाते हैं, हाई वॉच के ऐप में। फिर यहाँ पर आपको परमिशन अलाउ कर देनी है पूरी। यहाँ देख रहे हो, यहाँ कनेक्ट करना है कि T500 आ रही है अभी। जब वॉच 6 के नेम से ये कनेक्ट हो जाएगी अपने आप ही। ब्लूटूथ से तो आप हो ही चुकी है कनेक्ट। जब आप इसे कनेक्ट कर लोगे तो आपको व्हाट्सएप, फेसबुक, सारी सोशल मीडिया के नोटिफिकेशन आपको यहाँ मिलते रहेंगे। लेकिन इसमें आप रिप्लाई नहीं कर सकते। अभी तक कोई ऐसी कॉपी नहीं मिली जिसमें आप व्हाट्सएप वगैरह इनको रिप्लाई कर सको। वो सिर्फ ओरिजिनल में होती है, ओरिजिनल के अंदर ही व्हाट्सएप चलता है। ठीक है, यहाँ पर कनेक्टिंग हो रही है, ये देख लेता हूँ एक बारी। तो आपको यहाँ पर ना एक बार अनपेयर कर देना है इसको, डिसकनेक्ट हो गया। सर्च फॉर ब्लूटूथ डिवाइस, फॉरगेट डिवाइस, यहाँ मैंने फॉरगेट कर दिया। टैप टू ऐड न्यू डिवाइस, ये आ गया वॉच 6 LE, ये हमारी कनेक्ट हो गई। ठीक है, अब मैं आपको इससे कॉल करके दिखा देता हूँ एक बार कि इसमें कॉल कैसे होती है। ये हमारी डायल पैड कुछ ऐसा आता है, इसमें आपको नंबर डायल करना है। इसमें आपको कॉल्स वगैरह भी मिल जाएंगी, कॉल लॉक्स। आप सिंक्रोनाइज करोगे फ़ोन से तो आपकी सारी कॉल लिस्ट आ जाएगी। ओके एंड गाइस, अगर किसी को भी कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पर कहीं भी कांटेक्ट कर सकते हो। अगर लाइक मेरा अगर नंबर नहीं मिलता तो मैंने एक नंबर और दे रखा है, आप उस पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ठीक है, और जिसने भी मेरा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ मेरा जाके एक बार चैनल सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो। यार मैं आपके लिए इतनी अच्छी वीडियोस लाता हूँ, आप प्लीज़ इसको जल्दी से जल्दी, मुझे सब्सक्राइबर तो यार कम से कम 1000 सब्सक्राइबर तो चाहिए चाहिए। ठीक है, फिर मैं अगली वीडियो में एक ऐसी वॉच लेके आऊँगा जिसमें आप अपने कस्टमाइज वॉलपेपर लगा सकते हो। काफ़ी डिमांड थी उस वॉच की, मुझे काफ़ी कमेंट आए हैं कि ऐसी वॉच में अनबॉक्सिंग करो जिसमें कस्टमाइज वॉलपेपर लगा सकते हैं। तो उस मॉडल का नेम है U78+। ठीक है, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसकी अनबॉक्सिंग करूँगा। सो आपको यहाँ पे ले एक बार मैं इसको पहले सबसे पहले कॉल करके दिखा देता हूँ आपको। ठीक है, जल्दी से जल्दी। अगर आपका हाई वॉच से कनेक्ट नहीं होता एंड्रॉयड में तो आप फंडू भी डाउनलोड कर सकते हो, जैसे मैंने बताया आपको। ठीक है, जल्दी से जल्दी पहले हम कॉल कर देते हैं। एंड गाइज, यार मैं जितना डिटेल में बताता हूँ ना इतना कोई नहीं बताएगा आपको। सो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर देना। ये देखिए, यहाँ से कॉल लग गई एंड इसमें नेम नहीं आता। ठीक है, आप देख सकते हो इसमें नेम नहीं आता, इसमें सिर्फ आपको नंबर आएगा। सब बोलते हैं कि सर इसमें नेम आता है कि नहीं जब हम कॉल लगाते हैं, तो नेम किसी वॉच में भी नहीं आता कॉपी में, सिर्फ इसमें नाम नंबर ही दिखाता है। सो आप देख ही चुके हैं, इसकी मैंने अनबॉक्सिंग आपको करके दिखा दी है। काफ़ी अच्छी वॉच है यार। सो इसका प्राइस आपको 2500 तक मिल जाएगा। ठीक है, और इसकी डिमांड काफ़ी है मार्केट में, इसका स्टॉक कहीं मिल भी नहीं रहा है, तो ये बुकिंग पे चल रही है। अगर आपको ये वॉच चाहिए तो आप इसे बुक कर सकते हो या पेमेंट कर सकते हो। मैं पेमेंट पूरी प्रीपेड लेता हूँ, ऑनलाइन लेता हूँ, मैं COD नहीं देता। मैं बता चुका हूँ सारी वीडियोज़ में एंड मैं दोबारा बता देता हूँ, अगर कोई भी ट्रस्ट इशू है आप मुझे वीडियो कॉल कर सकते हो, मैं आपको अपना स्टॉक दिखा सकता हूँ लाइव, या आप मेरी लोकेशन पे आ सकते हो, मैं आपको बाय हैंड भी दे सकता हूँ ये वॉच, अगर आपको एयरपोर्ट्स वगैरह कुछ भी चाहिए तो। ठीक है, सो ये हमारी वीडियो यहीं तक थी। आई होप यू लाइक द वीडियो, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।